कि जितना कि तेरा चेहरा वक्त ने बदल दिया उतना ही हमने खुद को बदल लिया, जितना कि तेरा चेहरा वक्त ने बदल दिया उतना ही हमने खुद को बदल लिया। सोचा था घर हो तेरे घर के सामने, ये काजा वालों ने नक्शा ही बदल लिया। हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी, दिस इज़ हिमानी एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है हमारा डे फोर। कुंजुम वॉज क्रेजी क्योंकि वहाँ पर जाने की हिम्मत आई थिंक अभी कोई नहीं रख रहा है। वहाँ पर लोकल्स भी नहीं दिख रहे थे, कोई ना दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ हमारी गाड़ियाँ थी। क्योंकि कल रात को आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग करूँ या फिर कुछ बात करूँ, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा हिम्मत ही नहीं थी। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि लग रहा था खाना खाए और बस सो जाए, और बस हमने वही किया था। दो अभी यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है, यहाँ से हम कल्पा जाएंगे और या दिस अपडेट, लेट्स गो। कर रही हूँ क्योंकि आज हम जर्नी जो है कवर करने वाले एक्सपेडिशन में काजा टू कल्पा, वी आर गोइंग बैक। 3 डेज हम यहाँ कल काजा में थे एंड आपने अगर वो व्लॉग नहीं देखे हैं पिछले तो जाओ और पहले वो देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। बाय द वे यहाँ पर तो स्नोफॉल हो रही है सुबह से, आई मीन कल रात से स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी क्रेजी वाली रात को हमें कुंजुम में मिली थी हम जब आ रहे थे वापस, बट काजा में इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी भी हो रही है फ्लरीज, अभी भी बाहर स्नोफॉल हो रहे हैं, मैं कार के अंदर बैठी हुई हूँ, सारे लोग गैदर हो चुके हैं, अभी हम निकलने वाले हैं। इट्स 2:30 इन द आफ्टरनून, हम 12 बजे निकलने वाले थे एंड हमें बज चुके हैं। कैन यू इमेजिन, आई मीन ओ गॉड इट्स फिकिंग लेट, बट हम कल तो भी बहुत ज़्यादा लेट पहुँचेंगे, बट यहाँ पर निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। हाँ सो बस दिस इज़ द अपडेट, अभी एवरीबडी इज़ गेटिंग रेडी एंड इतना सारा पहना हुआ है, दो मतलब अंदर दो लेयर, तो एक थर्मल पहना है, उसके बाद एक टॉप पहना है, उसके बाद एक स्वेटशर्ट पहना है, उसके बाद ये वाला जैकेट पहना है, उसके बाद ये पहना है डाउन जैकेट, तो कैन यू इमेजिन मतलब कितना कुछ चढ़ा रखा है मैंने। बट ये और ये ऊपर ही टोपो भी पहना है, कन टोपा। तो ऐसे गियरअप हो चुके हैं क्योंकि बाहर क्रेजी वाला वेदर है, काफ़ी ठंड है, सर्दी लग सकती है एंड दिस इज सिचुएशन। अभी लेट्स बिगिन दिस जर्नी फ्रॉम काजा टू कल्पा, लेट्स गो। बस फिजल हो रहा है थोड़ा थोड़ा और आगे थोड़ा थोड़ा पानी आएगा तो शूटिंग स्टोन का खतरा है। सो विल डू वन थिंग, विल आस्क दीज कार्स फ्रॉम आउटसाइड टू पुश राइट एंड देन विल रोल फ्रॉम द बैक। कुछ मैडम, तो इतने दिन में आपने एक्सपीडिशन में क्या क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने लाइफ में सीखी है वो है Let's roll guys! एंड हमने इस होटल में स्टे किया था, यस एंड ही इज द होस्ट। थैंक यू सो मच भैया फॉर हैविंग अस, आते हैं हम लोग दोबारा। हाँ जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप जब भी स्पीति आओगे काजा में आप यहाँ रुक सकते हो, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू स्टे इन, अमेजिंग। हमें काफ़ी अच्छा लगा है ना, खाना काफ़ी अच्छा था ना, स्टे बहुत अच्छा था, खाना बहुत ही अमेजिंग था।
गुड स्टे लवली यू विल रिकम ऐसे जगह पे आप बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे. यस थैंक यू बाय. क्यूटी पटूटी क्यूटी पटूटी भाग क्यों रहे हो? नहीं पकड़ो. अरे चलो तस्वीरों पे जज करते हैं कि किसी भगवान को मानते कि ये सच में उसकी तस्वीर है. उसके लिए एक शेर है कि कई हीरा लभदियां रांझियां नू ते कई रांझे लभदे हीरा नू साडे दिल विच माही राग बसे असी की करना तस्वीरां नू. जो शिवजी महाराज मक्के गए ना उन्होंने एंटर नहीं होने दिता उत्थे तो उन्होंने एक गल कही सी कि पंज तत का बुरज बाजारों बिच शिवजी की हाटी भैन भाई तेरा कुड़म कबीला ते अंत वार ने साथी डिगी थम्मी ढह गया मंदिर अंत मिट्टी में गारा ऐसी मिट्टी की मस्जिद बनती ऐसे का ठाकुर द्वारा लकड़ी दे संग लोहा डुब के हो गया न्यारा ऐसी लकड़ी की तस्वी बनती ऐसे की बनती माला जिसनू तू बिस्मिल्ला आखे सोई बिशन हमारा. कि जितना कि तेरा चेहरा वक्त ने बदल दिया उतना ही हमने खुद को बदल लिया. जितना कि तेरा चेहरा वक्त ने बदल दिया उतना ही हमने खुद को बदल लिया. सोचा था घर हो तेरे घर के सामने ये काजा वालों ने नक्शा ही बदल लिया. क्या बात सी भाई जी. और बताओ कुछ चलते कुछ दूर चल के काजा से हम आ चुके हैं. सुमदो पहुँचे हैं अभी हम. शाम के 6:15 हो रहे हैं और एज आई टोल्ड यू हम बड़ा लेट निकले थे तो हम कल्पा भी रात को ही पहुँचेंगे. बट यहाँ पर एक जगह में हमें रास्ते में दिख गया चाय और समोसा उपलब्ध है. तो आई मीन इतनी फ्रीजिंग ठंड में अगर ऐसे चाय और समोसा मिल जाए तो मैंने भैया से पूछ लिया समोसा मिलेगा एंड ही इज लाइक हाँ है. ओह माय गॉड आज कुछ और भी मांग लेती तो शायद मिल जाता. बाय द वे लुक एट द नज़ारास अराउंड इज सो ब्यूटीफुल एंड सुमदो इज़ द चेक पोस्ट स्पिति एंटर करने वाला. और ये स्पिति आप यहाँ से स्पिति शुरू हो जाता है स्पिति वैली शुरू हो जाती है. तो या वी आर हियर विल हैव चाय समोसा एंड देन विल हेड टुवर्ड्स कल्पा. सो या अभी चाय आ गई आई थिंक लेट्स गो एंड हैव. बात नहीं देखो सारे भूखे लोग सारे. चीयर्स गाइस चाय एंड समोसा. हाय जो मजा आ गया ना समोसे और चाय खा के. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू शक्ति. ऑलवेज वेलकम. अभी लेट्स गो नेक्स्ट स्टॉप नाको. नाको 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 विल बी द नेक्स्ट स्टॉप एंड क्यूटी पटूटी तुमको बाय बाय. अरे भाग रहे हो तुम. लेट्स गो. We'll be right back.
सो हम ये वाला दिस वन सोमांग ढाबा, यही तो हमने लंच किया था ना। वी आर इन नाको, बज रहे हैं 7:30-8 बजने वाले हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड कल्पा। मैंने आप लोगों को यहाँ तक की जो जर्नी एकदम शॉर्ट दिखाई है वो इतनी शॉर्ट थी नहीं, काफ़ी लंबी थी। ऑब्वियसली आई कांट वुड लाइक एवरीथिंग, पूरा रास्ते आपको नहीं दिखा सकती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा वेदर ऐसा एक्सट्रीम सा था, बारिश हो रही थी, कहीं पर स्नो हो रहा था। और आज हमने क्या क्या नहीं एक्सपीरियंस किया है, मतलब हमने बारिश देख ली, स्नोफॉल देख लिया, उसके बाद हमने क्या रेड फॉक्स देखा, हमारे रास्ते से क्रॉस हुआ। द थिंग इज़ कि ऐसे एकदम से उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑन नहीं था तो ऑब्वियसली वो कैप्चर नहीं हुआ, बट इट वाज लाइक क्रेजी। एंड देन थोड़ा सा रिस्की ये हुआ कि ऑब्वियसली जब बारिश होती है तो शूटिंग स्टोन्स आते हैं पहाड़ों से, तो वो भी हमारे एकदम सामने हमने गिरते हुए देखे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम आ गए हैं कल्पा एंड कोइंसिडेंटली अगेन आई एम स्टेइंग इन द सेम होटल जहाँ पर मैं इस साल में तीसरी बार आ गई हूँ, आई मीन और सेम रूम। ये कोइंसिडेंस तो मतलब पता नहीं कैसे ही हो जा रहा है बार बार। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम इन दिस ईयर दैट आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ स्किन्नर कैलाश। सुबह व्यू दिखाऊंगी, अभी ये पर्दा खुलते रात को नहीं दिखेगा, तो सुबह सुबह आपको व्यू दिखाऊंगी। बट राइट नाउ एंडिंग दिस व्लॉग हियर, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू विद अनदर वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय नमस्ते।